लो आ गई वैक्सीन। जी हाँ, वैक्सीनेशन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। भारत में 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन। 16 जनवरी से पूरे देश में टीकाकरण शुरू होगा। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। लगभग 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाई लेवल बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अब ये तारीख तय, 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है देश में। बिल्कुल श्वेता, जिस चीज का इंतजार था पिछले 10 महीने से वो आखिरकार पूरी हो चुकी है। बहुत इंतजार था, लोगों को बेसब्री से इंतजार था और वो आज पूरा हुआ कि जब ऐलान किया गया है कि 16 जनवरी से पूरे देश भर के अंदर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है। और जो ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है इसको लेकर के हम आपको अपडेट कर दें कि पूरे देश भर के अंदर इस वैक्सीनेशन जो कार्यक्रम को शुरू करना है उससे पहले की तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। जितने भी सेंटर है उन सभी सेंटरों पर किस तरह से वैक्सीन पहुंचेगी, क्या इसका कोल्ड स्टोरेज चैन जो है वो रहेगा, क्या जो वैक्सीन सेंटर है वहां पर किस स्टेज के जो लोग है उनको ये वैक्सीन लगेगी, उसकी पूरी इसको कह सकते हैं पूरी रिहर्सल 2 बार पूरे देश भर में हो चुकी है। एक बार शुरुआत के अंदर की गई थी जब हर राज्य के अंदर 1 से 2 जिलों के अंदर सेंटर में ये ड्राई रन शुरू किया गया था। उसके बाद प्रत्येक जिले के अंदर 3-3 जो डिस्पेंसरीज हैं और जिला अस्पताल है वहां पर ये ड्राई रन हो चुका है। और इसका मतलब पूरा सिस्टम तैयार है। और जो रिहर्सल की गई थी उसके पीछे का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो यही था कि पूरा टाइम फ्रेम तैयार किया जाए कि एक बेनिफिशियरी जो कि जिसको वैक्सीनेशन किया जाना है उसमें कितना टाइम लग रहा है और उस टाइम स्लॉट के हिसाब से कितने लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन एक सेंटर पे किया जा सकता है और उसी आधार पे पूरी मॉनिटरिंग की जाए। और यही वजह है आज जिस तरह से ऐलान किया गया है उसमें ये बताया गया है कि जितने भी सेंटरों पर वैक्सीनेशन होगा उन सब पर जो बेनिफिशियरी है उनकी सूची भेज दी गई है। साथ में ये बता दिया गया है कि उनको किस वक्त बुलाना है, उसका बाकायदा मैसेज जो है वो ऑटो जनरेटेड मैसेज जो है बेनिफिशियरी के पास जाएगा कि आपको किस तारीख को कितने बजे किस सेंटर पर पहुंचना है। ये पूरा एक सिस्टम मैकेनिज्म तैयार किया गया था और इसी वजह से थोड़ी देरी हुई है, करीब 10-11 दिन की देरी मान सकते हैं, लेकिन अब सिस्टम फुल प्रूफ तैयार है वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर। और 16 तारीख को जिस तरह से ऐलान किया गया है उसमें राजस्थान का नाम भी होगा। हालांकि अभी राजस्थान के लिहाज से कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई कितने सेंटरों पे कितने जिलों में शुरुआत की जाएगी, लेकिन राजस्थान भी पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बीसी में जुड़े थे और उन्होंने बताया था कि राजस्थान की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। पहले चरण के अंदर 5 लाख हेल्थ वॉरियर्स को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य जो है राजस्थान में रखा गया है, जिनमें से 4.25 से 4.5 लाख के लगभग जो हेल्थ वॉरियर है उनका डेटा जो है कोविन सॉफ्टवेयर जिसके जरिए वैक्सीनेशन के पूरे कार्यक्रम की ग्रास रूट से लेकर के हाई लेवल तक मॉनिटरिंग की जानी है उस पर उसका डेटा पूरा अपलोड कर दिया गया है। और उसी आधार पर हर सेंटर के हिसाब से ये मैसेज जो है उन हेल्थ वॉरियर्स के पास जाएगा, उन बेनिफिशियरीज के पास जाएगा और उसी आधार पर उनको वैक्सीन लगेगी। जी श्वेता, विकास बिल्कुल। और ये मान सकते हैं कि कल ही दूसरा फेज था ड्राई रन का और ड्राई रन भी इसलिए किया गया कि पूरी तैयारी हो जाए और फिर बस तारीख का इंतजार था कि कब से वैक्सीनेशन शुरू हो। अब जबकि ऐलान 16 तारीख को लेकर हो चुका है, राजस्थान को लेकर जिस तरह से आपने बताया कि पूरी तैयारियां हैं, क्या तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा चुका है? जिस तरह से आप डेटा की बात कर रहे हैं या पहले फेज में किसको वैक्सीन यहाँ पर मिलेगी, पूरी डिटेल सब कुछ ओके हो चुका है राजस्थान में? देखिए, हमने आपको बताया कि कुल राजस्थान के अंदर पहले चरण में 5 लाख बेनिफिशरीज को ये टीका लगेगा जो कि हेल्थ वॉरियर है, उनका पूरा डेटा जो है कोविन सॉफ्टवेयर, क्योंकि जब तक कोविन सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा अपलोड नहीं होगा तब तक वो बेनिफिशरी टीके के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। इसलिए ये जो महत्वपूर्ण काम था वो यही था कि उनकी जो डेटा है पूरा वो कोविन सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाए। कल तक का रिकॉर्ड हम बता रहे हैं आपको, करीब 4.5 लाख लोगों का डेटा जो है वो मर्ज कर दिया गया है। उसके साथ ही और जो बचे हुए बेनिफिशियरी है उनका डेटा जो है वो अपलोड किया जा रहा है, जिसके चलते ये कहा जिस तरह राजस्थान पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही हम आपको बता दें वैक्सीन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ियां हैं वो 2 कड़ी है। पहली कड़ी है जो कोल्ड स्टोरेज चैन है उसको बरकरार रखना और दूसरा ये कि जो बेनिफिशियरी है उसको टीका लगने के बाद में उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसकी पूरी मॉनिटरिंग करना, उसके लिए कितना समय लगता है। जो पहली बात करें हम कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने की, तो राजस्थान में 3 जो है राज्य स्तरीय कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, 3 जगह पे कोल्ड स्टोरेज चेन बनाए गए। उसके साथ ही हर संभाग मुख्यालय पर एक संभाग स्तरीय कोल्ड स्टोरेज बनाया गया, उसके अलावा जिला मुख्यालय पे। चलिए विकास, यानी राजस्थान में पूरी तैयारी हो चुकी है, तैयारियां फाइनल, इंतजार तारीख का था और भारत में अब 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा ये ऐलान कर दिया गया। बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए।